हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल संजय ज्ञान नेचर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे, अपने घरों में मस्त होंगे। और गाइस, मैं भी ठीक हूँ और बढ़िया हूँ। सभी को राधे राधे और गुड मॉर्निंग। अगर गाइस आप लोग मेरे चैनल पर नए हुए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस, आज हम साफ़ करने जा रहे हैं अपना कूलर, और कूलर में भी इतनी गंद है, ये देखिए इतना ज़्यादा गंद हो गया। ये देखिए दिख रहा है आपको, बहुत ज़्यादा गंद हो गया। पता है गाइस, जब मैंने इसको फिट किया था, आज हो गए होंगे 3 महीने हो गए होंगे मैंने इसको फिट किया था, तो मैंने 3 महीने पहले इसको साफ़ किया था, एकदम बढ़िया से क्लीन किया था। मैंने इसको धुलाई कर दी थी, एक एक पुर्जे की मैंने धुलाई की थी इसकी, फिर मैंने इसको यहाँ पे सेट किया था। फिर उसके बीच में मैं इसको साफ़ भी करती रही बीच में, पर उस तरीके से डीप क्लीन नहीं किया क्योंकि इसको यहाँ सेट कर दिया था ना, तो इस वजह से यहाँ से ये निकल नहीं पाया। और बाहर का पूरा जो मेरा एरिया है वो सब ओपन है और अभी बना नहीं है उतना, तो इसी वजह से इतनी गंद ज़्यादा आ जाती। बट मैं हर हफ्ते इसको साफ़ करती रहती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है ना झाड़ू लगाते टाइम इसको भी साफ़ कर देती हूँ, फिर भी ये इतनी गंद हो ही जाती। अभी मैंने ना इसको एक हफ्ते पहले साफ़ नहीं किया, ऐसे ही ऐसे कपड़ा मार देते थे तो ऐसा था ना कि बाहर एकदम मतलब पूरा खुला एरिया है ना, तो इसमें पानी पानी चलता है ना, तो पानी धूल जम जाती तो पानी से और ज़्यादा जकड़ जाता है। बस इसको जो है डीप क्लीन तो नहीं उस तरीके से खोल के तो नहीं कर पाएंगे, बट क्या है ना कि इस तरीके से हाथ लगा लगा के तो अंदर से साफ ही कर सकते हैं। इस तरीके से सारा साफ़ हो जाएगा, जितना साफ़ हो पाएगा गाइस उतना साफ़ करेंगे। बट झाड़ते तो इसको डेली हैं, फिर भी इसमें गंद आ ही जाती है क्योंकि खुला एरिया है ना, ओपन एरिया है, तो ओपन एरिया में तो चारों तरफ से धूल आती है बाहर से। पता है मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया इसका, देखिए ये देखिए स्विच ऑन है, और अगर अभी लाइट आती तो हम अभी पानी भी लगाने जा रहे थे, उसमें पानी से भी साफ करने जा रहे थे, और अभी हम जो है चिपक जाते हैं। गाइस, लाइट के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो फिर कूलर हो गया, पंखा हो गया, या इलेक्ट्रॉनिक की कोई भी चीज़ हो गई, उसको पहले तो ये देख लो कि उसका प्लग ना लगा हो, स्विच में प्लग ना लगा हो और ऑन ना हो। उसको ऑफ कर दे और प्लग भी निकाल देते। प्लग मेरा उस साइड से है तो मैं वहाँ पे प्लग को भी ऑफ कर देती हूँ, फिर बाद में साफ करती हूँ। मैंने स्विच को ऑफ कर दिया, मैंने स्विच के ऑफ कर दिया, मैंने प्लग ही निकाल दिया कूलर का, जो स्विच में लगा हुआ था तो मैंने प्लग ही निकाल दिया। अब कोई रिस्क नहीं, अब मैं आराम से निश्चिंत होकर कूलर को साफ कर सकती हूँ। गाइस, मैंने अभी नहाया नहीं, इस वजह से मैंने कहा कूलर को साफ करूंगी तो कूलर की गंद जो है ऊपर से आएगी, तो इसी वजह से मैंने सोचा बाद में नहा लूंगी, कूलर को साफ कर लूं, फिर नहाऊं, फिर बाद में फ्रेश हो जाऊं, फिर खाना पीना बनाऊं। तो पहले मैं कूलर को इसीलिए साफ कर ले रही हूं क्योंकि गंद आती है जब भी हम सफाई वगैरह करते हैं ना, तो नहा धो के हम तो नहा के नहीं करते हैं। हाँ, अगर कुछ इमरजेंसी कुछ काम है तो सुबह नहा लिए, वरना हम सफाई करने के बाद में ही नहाते। जिस दिन मुझे सफाई करना होता है ना, उस दिन हम नहीं नहाते, सबसे पहले सफाई कर लो फिर बाद में फ्रेश होंगे, क्योंकि चारों तरफ से नहा लो फिर बाद में चारों तरफ से गंद आती है तो उससे भी गंदा हो जाता है बॉडी। बस खाली ये जो विंडो है बस यही गंदा है और कुछ नहीं है, क्योंकि सफाई तो जब तक करते रहते हैं कूलर की। गाइस, ये विंडो मेरी साफ हो चुकी है और अब हम जो है इस पर एक बार कपड़े को धुल के ले आते हैं और पानी से लगा दें। कपड़े को जो है धो लाएं और अच्छे से क्लीन कर लाएं। अब हम इसको जो है कपड़े से एक बार क्लीन कर देंगे बढ़िया से, तब और ये एकदम खिलेगा। आज मेरा कूलर एकदम न्यू निकल आएगा, ऐसा लगेगा कि हाँ न्यू लाए अभी के अभी।
गर्मी देखो कितनी, मुझे पसीना आ रहा है। इतनी उंगली फंस रही थी, इतनी उंगली फंसते फंसते जलन होने लगी इसमें। मेरा कूलर एकदम क्लीन हो गया है बढ़िया से, कितना अच्छा लग रहा है ना, चमक गया एकदम, न्यू न्यू लगने लगा। ये देखो कूलर से। ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।